SD24 में फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अहमद कुरैशी। हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। असदुद्दीन अवैसी ने सदन में नए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बधाई देते हुए जो भाषण दिया उसे BBC ने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया। उस पर कुछ गैर मुस्लिम के कमेंट आपको हैरान कर सकते हैं। कोई अवैसी को PM दिखाना चाहता है, कोई हैदराबाद से होने पर इसलिए गर्व कर रहा है कि उसने अवैसी साहब को वोट किया। कोई चाहता है कि अवैसी जैसे लोग ही संसद में पहुंचे। इतनी तारीफें तो प्रधानमंत्री को भी नहीं मिल सकती जितनी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मिल रही है। दुर्गेश नंदन यादव लिखते हैं, अवैसी साहब यू आर लिटरेट ऑनेस्ट एंड वेल एजुकेटेड पॉलिटिशियन। अंजलि शर्मा ने गर्व करते हुए लिखा, अवैसी जी आप चलते फिरते कॉन्स्टिट्यूशन हो। मुझको गर्व है कि मैं हैदराबादी हूँ जहाँ से अवैसी साहब जैसे MP आते हैं। जय हिंद जय भारत। सागर पाटिल ने लिखा, सर आपसे यही उम्मीद है, इस देश की डेमोक्रेसी आप जैसे समझदार लोगों की वजह से ही मजबूत है, अपनी आवाज बुलंद करिए। सोनू सिंह लिखते हैं, अवैसी साहब आप सचमुच एक महान नेता हो, जिस प्रकार आपने तर्क दिया है वह काबिले तारीफ है, ऐसा सभी नेता को सोचना चाहिए, आज से हम तो आपके फैन हो गए हैं। आकाश सनेश्वर ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए लिखा, हम फ्यूचर में असदुद्दीन अवैसी साहब को देश का PM देखना चाहेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, लोगों में एक और चर्चा आम हो रही है। बताया जा रहा है कि असदुद्दीन अवैसी को लोग अच्छे नहीं मिलने के कारण तेजी से MIM डेवलप नहीं हो पा रहा है। इस लोकसभा में इम्तियाज जलील की ऐतिहासिक जीत के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में MIM के लगभग 6-7 सीट आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन विधायक इम्तियाज जलील को औरंगाबाद छोड़कर ऑल महाराष्ट्र में काम बढ़ाने के लिए जद्दोजहद करने की आवश्यकता भी बताई जा रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ विधानसभा में भी सांसद इम्तियाज जलील द्वारा विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इस पर भी बुद्धिजीवी वर्ग में चर्चा की जा रही है। विधानसभा के चुनाव करीब है, सभी बड़ी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां जोरों से शुरू की है। देखते हैं किसकी सरकार बनती है, यह भी वक्त ही बताएगा।